नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत दूसरा वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज़ और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप देखेंगे ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश में दिए हुए हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्या होता है जो ये अधिनियम होते हैं इनमें काफ़ी जो वर्ड्स होते हैं अगर हम उन्हें इंग्लिश में याद करें या पढ़ें तो वो जल्दी याद हो जाते हैं। इस वजह से मैंने कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हड़ताल और तालाबंदी का प्रतिषेध, ठीक है। हड़ताल मतलब होता है जो स्ट्राइक्स होती हैं वो, और तालाबंदी मतलब लॉकआउट। अब इसमें क्या है, लोक उपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में हड़ताल पर नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिस पर वो हड़ताल पे नहीं जा सकता, चलिए देखते हैं। हड़ताल करने के पहले 6 सप्ताह के अंदर नियोजक को हड़ताल का नोटिस दिए बिना, ठीक है। अगर वो नियोजक को 6 सप्ताह के अंदर हड़ताल का नोटिस नहीं देता तो वो क्या नहीं जा सकता। हड़ताल की सूचना देने के 14 दिनों के अंदर, हड़ताल की सूचना में उल्लेखित, ठीक है। तीसरा है कि हड़ताल की सूचना में उल्लेखित करने की तारीख की समाप्ति के पहले। चौथा है सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान तथा इन कार्यवाहियों की समाप्ति के 7 दिनों के बाद तक, ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं इसमें वो नहीं जा सकता हड़ताल पर। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में हड़ताल या तालाबंदी अवैध होती है, मतलब ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिसमें हड़ताल और जो तालाबंदी है वो अवैध होती है। चलिए पहली स्थिति देखते हैं, जब सरकार ने ऐसे विवाद से संबंध जारी रहने वाली हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी हो जिसे सुलह बोर्ड, श्रम न्यायालय, राष्ट्रीय अधिकरण या अधिकरण के पास निर्देशित किया गया हो, ठीक है। जब भी सरकार ऐसे विवाद पर क्या लगा देती है या ऐसी कोई हड़ताल पर या तालाबंदी पर रोक लगा देती है, मतलब सरकार के द्वारा अगर रोक लगा दी गई है जो कि सुलह बोर्ड, श्रम न्यायालय, राष्ट्रीय अधिकरण के पास निर्देशित उसे किया गया हो, तो ठीक है, ऐसे स्थिति में जो हड़ताल और तालाबंदी होती है वो अवैध होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अवैध हड़ताल या तालाबंदी में वित्तीय सहायता देना भी अवैध है। अगर किसी हड़ताल में, ठीक है, अगर किसी हड़ताल या तालाबंदी में वित्तीय सहायता दी गई है तो वो भी क्या होगा, अवैध मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं, अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने के लिए उकसाने या उसके लिए वित्तीय सहायता देने के दोषी व्यक्तियों को अधिकतम 6 माह का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। देखिए, जो हमने स्थितियां पहले बताई तो वो हड़ताल क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। और अगर ऐसे व्यक्ति या उनका जो ग्रुप ये चीज़ें करता है, ठीक है, तो उनको क्या होगा, उन दोषी व्यक्तियों को अधिकतम 6 माह का कारावास हो सकता है या 1,000 रुपये जुर्माना हो सकता है या ये दोनों, मतलब 6 माह का कारावास भी होगा और 1,000 रुपये उनको जुर्माना भी देना होगा। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हो सकते हैं उस दोषी व्यक्ति को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, ठीक है। ये तीनों की डेफिनेशन आपका याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेशन अगर याद नहीं है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। ले ऑफ, अभी ले ऑफ क्या है, ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होते हैं जिसमें 50 या इससे अधिक की संख्या में कर्मकार नियोजित हो तथा जो मौसमी प्रकार के नहीं हों, जिनमें काम रुक रुक कर नहीं चलता हो, मतलब रेगुलर काम चल रहा हो, ठीक है। किसी भी ऐसे प्रतिष्ठानों में या फिर एंटरप्राइजेज में जहाँ पे रेगुलर तरीके से काम चल रहा हो, जिसमें 50 या उसकी अधिक संख्या में क्या हो, कर्मकार हो, और अगर वहाँ पर ये होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वही ले ऑफ की कंडीशन होती है, मतलब वहाँ पर ले ऑफ लागू हो सकता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, राइट ऑफ वर्कमैन फॉर कंपनसेशन फॉर ले ऑफ। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, देखिए इंग्लिश में क्या है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं, पर आप जब इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे ना, जो अधिनियम में आप पढ़ेंगे, तो जो हिंदी मीनिंग जो इसका है, मतलब हिंदी में जो इनको बोलते हैं,
अगर आप उसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको तीन उसमें लिख दिया है इंग्लिश में कि ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर क्या अलग अलग होता है। चलिए अब देखते हैं राइट ऑफ वर्कमैन फॉर कंपनसेशन फॉर ले ऑफ। ठीक है, राइट क्या होगी वर्कमैन की कंपनसेशन की अगर ले ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर किसी कर्मकार ने एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो तथा जिसका नाम प्रतिष्ठान के मस्टर रोल में दर्ज हो, तो नियोजक के लिए उसे काम बंदी की अवधि में क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति की दर कर्मकार द्वारा काम बंदी के पहले प्राप्त की जाने वाली बेसिक मजदूरी तथा महंगाई भत्ते के योग के आधे के बराबर है। काम बंदी के लिए क्षतिपूर्ति अधिकतम 45 दिनों के लिए देय होगी। ये याद रखिएगा कि जो काम बंदी के लिए अगर क्षतिपूर्ति है वो अधिकतम 45 दिनों के लिए देय होगी, किंतु अगर कर्मकार और नियोजक के बीच इस संबंध में कोई करार है तो यह अवधि अधिक भी हो सकती है। देखिए, करार अगर है तो ये अवधि क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं वे दशाएँ जिनमें कर्मकार काम बंदी या छुट्टी के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होता है, तो ये कौन सी दशाएं हैं। ठीक है, ये दशाएं चलिए पहले देखते हैं। अगर कर्मकार नियोजक के उसी प्रतिष्ठान में या उसी शहर या गांव के 5 मील दूरी की अंदर स्थित किसी उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान में पहली मजदूरी पर ऐसा काम करने से इनकार करता है जिनमें विशेष कौशल की आवश्यकता ना हो, ठीक है, ये है पहली दशा। अगर वह सामान्य कार्य के घंटों के दौरान निर्धारित समय पर दिन में कम से कम एक बार उपस्थित नहीं होता है, ये है दूसरी दशा। अगर कामबंदी प्रतिष्ठान के दूसरे भाग में कर्मकारों की हड़ताल या उत्पादन की गति मंद करने के कारण हुई हो, ठीक है, तो यह है तीसरी दशा। अब आगे देखते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू ले ऑफ, मतलब स्पेशल प्रोविजन क्या है ले ऑफ से रिलेटेड, जिनमें साधारणतः 100 से अधिक कर्मकार नियोजित हो। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, 100 से अधिक कर्मकार नियोजित हो तथा जो मौसमी प्रकृति के या रुक रुक कर काम करने वाले प्रतिष्ठान कर्मकार को छोड़कर किसी अन्य कर्मकार की कामबंदी केवल सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी की अनुमति से ही की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या था, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू ले ऑफ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, छटनी। अभी छटनी क्या होता है देखते हैं, एक वर्ष या इससे अधिक की सेवा में रह चुके किसी कर्मकार की छटनी करने के पहले नियोजक को निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि छटनी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये बताते हैं। पहली, कर्मकार को छटनी के कारणों का उल्लेख करते हुए 1 महीने पहले लिखित सूचना देना या सूचना के बदले 1 महीने की मजदूरी देना आवश्यक है। अगर किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति के बारे में कोई समझौता है तो छटनी के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, छटनी के समय कर्मकार को पूरी की गई लगातार सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की मजदूरी की दर से क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं, सरकार के पास छटनी की सूचना विहित तरीके से देना आवश्यक है। ठीक है, तो ये तीन है। आगे देखते हैं, अगर किसी प्रतिष्ठान में छटनी किए जाने वाले कर्मकार किसी खास श्रेणी में हैं तो नियोजक साधारणतः सबसे पहले ऐसे कर्मकार की छटनी करेगा जिसे उस श्रेणी से सबसे बाद में नियोजित किया गया है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों में जिनमें 100 या उससे अधिक संख्या में कर्मकार नियोजित हैं तथा जो मौसमी प्रकृति के नहीं हैं और जिनमें काम रुक रुक कर नहीं चलता हो, 1 वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार काम कर चुके वाले कर्मकारों को छटनी के लिए सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, उपक्रम की बंदी की सूचना। अब उपक्रम की बंदी की सूचना क्या है या कैसे दी जाती है या कब देनी है देखते हैं। 50 से अधिक की संख्या में
कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने के संभावित दिन के 2 महीने, ध्यान दीजिएगा, 2 महीने पहले नियोजक के लिए सरकार के पास बंदी के कारणों का उल्लेख करते हुए नोटिस देना क्या है, आवश्यक है। चलिए अब आगे देखते हैं, उपक्रम की बंदी की स्थिति में कर्मकारों को क्षतिपूर्ति। अब अगर उपक्रम की बंदी की स्थिति में कर्मकारों को क्षतिपूर्ति पहुंचती है तो क्या, किसी उपक्रम के बंद हो जाने की स्थिति में 1 साल से अधिक अवधि की लगातार सेवा कर चुकने वाले कर्मकार क्षतिपूर्ति के क्या होंगे, हकदार होंगे। अब आगे देखते हैं, बंदी से संबंध विशेष उपबंध। बंदी से संबंध विशेष उपबंध है जैसे कि ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ लागू होते हैं जिनमें 100 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं। देखिए, अगर उपबंध लागू हो रहा है तो वो उन्हीं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां पे 100 या इससे अधिक कर्मकार हों, तथा जो मौसमी प्रकृति के नहीं है और जिनमें काम रुक रुक कर नहीं चलता है, ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने की अनुमति के लिए सरकार के पास कम से कम 90 दिन पहले आवेदन देना आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आवेदन में बंदी के कारणों का उल्लेख करना तथा उसकी एक प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को देना आवश्यक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सेवा की शर्तों में परिवर्तन के लिए नोटिस देना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, मजदूरी जिसमें भुगतान की अवधि और तरीका सम्मिलित है, भविष्य निधि, पेंशन निधि या कानून के अंतर्गत नियोजक द्वारा कर्मकारों के हित लाभ से संबंधित अंशदान। अब आगे देखते हैं, प्रतिकारात्मक तथा अन्य भत्ते, कार्य के घंटे और विश्राम अंतराल, सेवतन अवकाश तथा छुट्टी। एक चीज़ और ये देखिए लास्ट में कि किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन घोषित किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने से इनकार करता है उसको श्रम संघ या संस्था से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधीन घोषित किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने से अगर वो इनकार करता है तो वो क्या, श्रम संघ या कोई संस्था उसे निष्कासित नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।